नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, क्रिकेट के अनजाने और अनोखे रिकॉर्ड्स के बारे में आपने बहुत सुना और देखा होगा, पर हम आज आपको क्रिकेट के ऐसे राज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, क्रिकेट का जब भी कोई मैच खेला जाता है तो सिर्फ खिलाड़ियों पर ही प्रेशर नहीं होता, अंपायर्स पर भी उतना ही प्रेशर होता है, क्योंकि अंपायर का एक डिसीजन पूरे मैच का नतीजा बदल देता है। जैसे जैसे क्रिकेट का खेल बढ़ता गया, अंपायर पर भी प्रेशर बढ़ता गया, इसलिए इस खेल में थर्ड अंपायर को लाया गया जिससे फैसला करना आसान हो जाए। पर क्या आप जानते हैं कि थर्ड अंपायर ने सबसे पहले रनआउट किसको दिया था? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि थर्ड अंपायर ने सबसे पहले रनआउट सचिन तेंदुलकर को दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम है। 1992 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिए जाने वाले पहले क्रिकेटर थे, और उन्हें आउट करने वाले और कोई नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डर जॉन्टी रोड्स थे। अब बात यहीं नहीं खत्म होती, ये भी एक अजीब संयोग है। इसी टेस्ट मैच के दौरान जब अफ्रीकी टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो रोड्स रन आउट हो गए, फैसला थर्ड अंपायर ने दिया और आउट करने वाले फील्डर और कोई नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर थे। एक तरह से क्रिकेट के इस खेल में जैसे को तैसा वाला अंदाज कहा जा सकता है।